अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिना कोई डेली बायस निकाले, बिना कोई ट्रेंड निकाले, बिना कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाले, बिना कोई एंट्री जोन बनाए, बिना कोई 1 2 3 मूव देखे आपको ट्रेड करने का तरीका सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए, बिना फॉरवर्ड किए। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में सुना, आपको कुछ भी नहीं करना। आप अगर सिर्फ कैंडल स्टिक से बातें करना सीख लें तो स्टिल आप यकीन करें आप पैसा कमा सकते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप बड़ी बड़ी अमाउंट में पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आप स्टिल पैसा कमा सकते हैं। आपको किसी डेली बायस की जरूरत नहीं है, आपको ये नहीं देखना डेली का ट्रेंड क्या है और आपका स्ट्रक्चर लेवल किधर है, अपकमिंग रेजिस्टेंस किधर है, सपोर्ट किधर है, आपका एंट्री जोन कैसा बनता है, कैसा नहीं बनता है। कोई आपने टॉप डाउन एनालिसिस करते हुए हाई टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में नहीं जाना है, आपको जस्ट कैंडल स्टिक्स से बातें करना सीखना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कैंडल स्टिक्स से बातें करना सिखाऊंगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। देखें, प्राइस नीचे चलती चली आ रही है। आप यहां पर गौर कीजिएगा, प्राइस नीचे चलती आ रही है, छोटी बॉडी, उससे बड़ी बॉडी, उससे बड़ी बॉडी, उससे बड़ी बॉडी, यानी कैंडलस्टिक्स हमें ये बता रही हैं कि चार्ट पर सेलर्स का प्रेशर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। कैंडलस्टिक्स हमें ये बता रही हैं कि सेलर्स का प्रेशर ग्रेजुअली चार्ट पे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अचानक क्या होता है, ऑल ऑफ ए सडन ये बायर कहां से आ गए? एक ऐसी सेलिंग कैंडल जो अपने बॉटम के करीब जाके क्लोज हुई, इसका क्या मतलब है कि यहां से जरा सी भी उसको थ्रस्ट नहीं मिली, जरा सी भी उसको फोर्स नहीं मिली बायर्स की, कि बायर्स उसको 2 4 5 10 पीपी ऊपर की तरफ धकेल देते, कोई फोर्स नहीं मिली। इसका मतलब है ये कैंडल में ह्यूज सेलिंग प्रेशर है। तो वो सेलिंग प्रेशर एकदम कहाँ गायब हो गया? जब इस तरह की सिचुएशन आपके साथ बनती है चार्ट पे, ये आपको फर्स्ट इंडिकेशन होती है कि भाई ये जो डाउनवर्ड मूव आ रही है, ये जो लेग आ रही है डाउनवर्ड, ये शायद अब एक्सपायर होने वाली है और अब हमें शायद कोई पुल बैक मिलने वाला है। ठीक है, यहां पर आप देखिए बायर तो आ गए, बट बायर का प्रेशर चार्ट पे आपको दिखाई नहीं दे रहा। टॉप से आपको कितनी ज्यादा रिजेक्शन दिखाई दे रही है, आप देख रहे हैं ये विक कितनी टॉप से बनी, बॉडी छोटी सी इन द मिडल। जब किसी कैंडल की बॉडी छोटी सी इन द मिडल बने तो इसका मतलब है प्राइस जो है वो इंडिसियन मोड में है। पता नहीं हमें ऊपर जाना चाहिए, पता नहीं हमें नीचे जाना चाहिए, जो ट्रेडर्स हैं वो इंडिसियन मोड में होते हैं उस वक्त। तो यहां पर सेलर्स फिर आए, सेलर्स आए तो उनको क्या हुआ, बॉटम से रिजेक्शन मिली है। आपने नोट किया कि यार दो ग्रीन कैंडल्स के बाद जो रेड कैंडल बनी है उसे बॉटम से रिजेक्शन मिली है, तो आप इसको भी बाइंग कैंडल ही कंसीडर करेंगे। दिस इज नॉट ए सेलिंग कैंडल, क्योंकि बायर्स ने पूरी सेलिंग कैंडल को बॉटम से खत्म कर दिया है भाई। दिस इज नॉट ए सेलिंग कैंडल एट ऑल। नेक्स्ट कैंडल क्या बनी? बनी तो सेल, लेकिन बॉडी कहाँ है? सेंटर में। इसने भी आपको बताया कि सेलर्स और बायर्स दोनों कंफ्यूज हैं, यानी बॉडी सेंटर में बनी है, प्राइस नीचे जानी चाहिए या ऊपर, उन्हें नहीं पता। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, जो करंट ट्रेंड होता है वो ही प्रिवेल करता है, करंट ट्रेंड ही कंटिन्यू करता है। तो करंटली प्राइस बाय कैंडल्स बना रही है, तो हम इसे भी बाय कैंडल मानेंगे। चार मुसलसल बाय कैंडल्स हमें मिल गई, ठीक है। अब हम सिर्फ कंफर्मेशन का क्या इंतजार कर रहे हैं कि या तो प्राइस कोई बड़ी सेलिंग प्रेशर बनाए और नीचे की तरफ निकल जाए, या कोई बड़ा बाइंग प्रेशर बनाए जो हमारे इस आइडिया को सपोर्ट करे कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि प्राइस जो है वो बाय जा सकती है, हम इसको अज्यूम कर रहे हैं। यहां पर आप ये देखें कि एक जबरदस्त बाइंग प्रेशर,
जैसे ही आपको ये दिखा, आपको कोई मजीद कंफर्मेशन नहीं चाहिए, इस कैंडल के क्लोज होते ही आपको अपनी ट्रेड लगा देनी है। ठीक है, अभी बात यहां खत्म नहीं हुई। देखें, अब ये जो बाइंग प्रेशर है, ये वैलिड बाइंग प्रेशर है या कि एक फेक मूव है? क्योंकि टॉप से रिजेक्शन मिला है तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है कि टॉप से रिजेक्शन क्यों मिल गया है। कोई बात नहीं, मुझे थोड़ी और कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, मैं क्या करूंगा, अगली कैंडल देखी, ग्रीन कैंडल, उसको भी टॉप से रिजेक्शन बॉटम के करीब आके बंद हुई है और बॉडी बहुत छोटी सी है, तो मेरी परेशानियों में और इजाफा हो गया कि यार ये शायद फेक मूव थी। अभी भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। नेक्स्ट सेल कैंडल आती है, लेकिन उसकी बॉडी भी बहुत छोटी है, तो मुझे थोड़ा हौसला मिलता है कि यार ये जो मूव है ये शायद रियल मूव है। नेक्स्ट सेल कैंडल आती है, उसकी बॉडी अगेन बहुत छोटी है, तो मुझे समझ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता कि यार बायर्स ने ये जो मूव बनाई है, यहां पर इतना बायर बैठा कि वो सेलर को अपनी बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने दे रहे, तो हमें ये बात समझनी चाहिए, कैंडल स्टिक्स से बातें करना सीखना चाहिए। ठीक है, वेरी नेक्स्ट कैंडल, यानी ये जो बॉडी के अंदर जो बायर बैठा हुआ है, वो देखो सेलर्स को अपने अंदर एंटर ही नहीं होने दे रहा यार, छोटी सी सेल का, तो मुझे फिर ये चौथी कैंडल ने तो मुझे 100% यकीन दिलाया कि प्राइस नीचे नहीं आ रही। अगली कैंडल क्या बनी, इंगल्फिंग कैंडल। इंगल्फिंग कैंडल ने इन तीनों कैंडल से बड़ी बॉडी बनाकर मेरी ट्रेड कंफर्म कर दी, मैं अब यहां से दोबारा ट्रेड में एंटर हो सकता हूं। अब आप ये देखें कि मेरे पास एक क्लियर ट्रेड को क्लोज करने की ऑप्शन नहीं है ना, मैंने यहां से ट्रेड जो लगाई हुई है मैं उसको ओपन ही रखूंगा जब तक मुझे सेलिंग प्रेशर ना दिखे। क्या ये सेलिंग प्रेशर है? जी सेलिंग प्रेशर तो है, बट क्या ये सेलिंग प्रेशर इस पूरे बाइंग को खा जाएगा? उसके लिए आपने ये देखना है कि करीब तरीन इस सेलिंग प्रेशर से करीब तरीन बड़ी ग्रीन बॉडी किधर है। यहां पर इस बड़ी ग्रीन बॉडी की टेरिटरी के अंदर जब प्राइस आई है, तो आप ये देखें, ये बड़ी रेड बॉडी, ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करने लग गया कि यहां पर एक पुल बैक आएगा, मुझे यहां पर एक प्रॉपर जोन बना देना चाहिए बॉडी टू बॉडी। ठीक है, उसके 50% से आप देखें नीचे प्राइस क्लोज नहीं हुई यार, ये 50% जो है, अगर काश आप इसको अच्छे से समझ लें, प्राइस उसके नीचे क्लोज नहीं हुई। अब यहां पर देखें, यहां से प्राइस ने बड़ी रेड कैंडल बनाई, बड़ी बॉडी, उससे छोटी बॉडी, जैसी प्राइस एक पहलवान के जोन में एंट्री हुई, उसकी एक ऐसी जगह पे एंट्री हुई जहां पे जबरदस्त बायर्स की तादाद बैठी हुई है, और उसका ये जो पर्पल लाइन है ये 50% जोन है, जब प्राइस उसके 50% जोन पे पहुंची, उसको कैसे यहां से रिजेक्शन मिली है, कैसे बायर्स ने इसको पुश किया यहां से, अगली कैंडल बॉडी उससे छोटी, अगली कैंडल बॉडी उससे छोटी, और सारे ही आप देखें किसी भी रेड कैंडल की जरूरत नहीं हो रही कि वो इस बॉडी के 50% से नीचे क्लोज करे, किसी की जरूरत नहीं हो रही। वेरी नेक्स्ट कैंडल, तो मैं अपनी ट्रेड अभी भी क्लोज नहीं कर रहा, वेरी नेक्स्ट कैंडल क्या बनी, एक्सट्रीम बाय प्रेशर। जब आपको दोबारा बाय प्रेशर दिख गया, आप दोबारा ट्रेड में एंटर हो गए। एक ट्रेड आपकी यहां से चल रही है, यहां से चल रही है, क्लोज कब करेंगे? क्लोज तब करेंगे जब प्राइस आपके किसी अच्छे बड़े, अब यहां करंट सूरत हाल क्या है, ये आपकी जबरदस्त जबरदस्त आपकी बायर प्रेशर कैंडल है। अगर गोल्ड, अब देखें, जब जैसे ही गोल्ड इसकी टेरिटरी में एंटर हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, आप यहां पर देखें, गोल्ड यहां पर क्या कर रहा है, गोल्ड यहां पर आकर स्ट्रगल करना शुरू हो गया, जैसे ही उसके 50% के पास आया, उसकी हवा निकलना शुरू हो गई। अगर गोल्ड यहां से इसकी 50% से नीचे क्लोज करता है, तो मैं अपनी ट्रेड से निकल जाऊंगा। ठीक है, फिलहाल आपने ये देखना है कि प्राइस में बाय करनी है या सेल करनी है, उसके लिए आपको कैंडल स्टिक्स से बातें करना सीखना पड़ेगा। उम्मीद है आज के चार्ट में आपने अपने आप को प्रोफेशनल ट्रेडर्स की लिस्ट में शुमार करना शुरू कर दिया होगा।
क्योंकि अब आप लोगों ने बेसिकली चार्ट से बातें करना सीख लिया। आज मैंने आपको चार्ट से रियल टाइम में बातें करना सिखा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके इस पे ग्रिप करने की कोशिश जरूर करेंगे। देखें, फ्री का मटेरियल है, इसकी कदर करें। अगर ये फ्री का मटेरियल बंद हो गया तो आपको पैसों से भी ये मटेरियल नहीं मिलेगा। तो मैं दरख्वास्त करता हूं कि मेरे इस मेहनत की कदर करें और इसको इम्प्लीमेंट करें। यार, इसको इम्प्लीमेंट करें, देखें तो सही। चार्ट से बातें करने की कोशिश करना, सीखो तो सही, कोशिश तो करो चार्ट से बातें करने की। इंशाल्लाह जरूर आपकी जिंदगियों में इंकलाब आएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। अब तक गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज।